हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन के मैथमेटिक्स में एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, जिसको हम लोग हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड को जो है ना, बहुत टाइम्स जो है हाइट ऑफ द ट्रायंगल्स कहीं कहीं आपको लिखा मिला रहेगा, ठीक है। तो आप एल्टीट्यूड कहो या हाइट कहो, क्या होता है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, लेट अस सी। सबसे पहले एक आप ट्रायंगल बनाओ। यहाँ पर ये ट्रायंगल मैंने बना दिया जिसका नाम है ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारे पास है। और हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद इस ट्रायंगल में मैं एक वर्टेक्स चुन लेता हूँ। जैसे मैंने वर्टेक्स यहाँ ए ले लिया और ए से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ सीधा सामने वाली साइड पर, अपोजिट साइड पर। और ये मैं यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जो यहाँ आकर सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। राइट एंगल बनाता है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का। तो जब किसी भी ट्रायंगल में हम सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक हम लाइन सेगमेंट खींचते हैं जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इसको कहा जाता है अल्टीट्यूड। इसको कहा जाएगा अल्टीट्यूड, ठीक है, इसको अल्टीट्यूड कहा जाएगा। एक और देखिए एग्जाम्पल, अल्टीट्यूड का एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें देखिए आप, जैसे इसमें देखिए ए हुआ, ये बी, ये सी। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि बी वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ अपोजिट साइड पर, और वो यहाँ पर ये 90 डिग्री और यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। मैं इसका नाम कर दिया ई। तो ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है बी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर, मतलब इसके सामने वाली साइड पर ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है। तो ये कहलाएगा आपका अल्टीट्यूड कहलाएगा स्टूडेंट, अल्टीट्यूड, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइट। तो आप समझ गए होंगे कि अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री पर खींचा गया एक लाइन सेगमेंट होता है। तो अभी हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे मेरे पास एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक एल्टीट्यूड, कितने एल्टीट्यूड एक ट्रायंगल में हो सकते हैं, एक ये हो सकते हैं एल्टीट्यूड वर्टेक्स पी से सामने वाले साइड पर, दूसरा आपका एल्टीट्यूड यहाँ से हो सकता है, यहाँ 90 बनाएगा ये, और तीसरा एल्टीट्यूड आपका यहाँ ऐसे हो सकता है। तो एफ, एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं, चलिए ठीक है। और ये तीनों एल्टीट्यूड्स जो है आप देखिए, ये तीनों एल्टीट्यूड जो है एक पॉइंट से गुजर रहा है, तीनों एक जगह पर आकर काट रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो जहां पर एक दूसरे को काटेंगे, द पॉइंट वेयर दीज 3 एल्टीट्यूड कट देमसेल्फ, जहां पर ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोई गेस कीजिए क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं आपको ऑर्थो सेंटर, उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो हुआ ये पॉइंट, ये कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। वो होता है जहां पर सभी अल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ये ऑर्थो सेंटर उसको कहते हैं। अभी हम डिफरेंट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करके देखेंगे। जैसे हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से कम हो। जैसे हमारे पास ऐसा है, ये क्यूट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर जो एंगल है 90 डिग्री से कम है। अब इसका एल्टीट्यूड कैसे होगा, इसका एल्टीट्यूड जो होगा यहाँ से सामने ऐसे आएगा, ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, इस यहाँ से इस तरह से होगा 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, और यहाँ से इस तरह से होगा 90 डिग्री यहाँ बनाएगा। और ये तीनों एक जगह एक दूसरे को काटेंगे, इसको कहेंगे ऑर्थो सेंटर, राइट। तो आप देख रहे हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सभी जो एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर है। अभी दूसरा एग्जांपल इसमें हम लोग देखते हैं, अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में यहां देखेंगे ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये खुद जो है एल्टीट्यूड का काम करेगा, ये खुद एल्टीट्यूड का काम करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये खुद एल्टीट्यूड का काम करेगा। और इस वाले साइड पर भी आप एल्टीट्यूड खींच सकते हो, ये भी हमारा एल्टीट्यूड हुआ। तो
तो यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ भी एल्टीट्यूड जो है वो ट्रेंगल पर या ट्रेंगल के अंदर ही होता है, जबकि यहाँ देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में वो कुछ इस तरह से दिखता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। तो ए, ये बी और ये सी, इसका एल्टीट्यूड कैसे आप ड्रॉ करेंगे, इसका एल्टीट्यूड इस अगर इस वर्टेक्स से ड्रॉ करना होगा, इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होगा, अंदर ही होगा ये आपका, ठीक है। और इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से आएगा ये, है ना, इस तरह से आएगा ये, और यहां से ड्रॉ करेंगे सामने वाली इस पर, तो इसका वर्टेक्स जो होगा बाहर की, इसका एल्टीट्यूड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। इसको आगे क्यों बढ़ा दो, प्रोड्यूस कर दो, तो ये यहां से वर्टेक्स इस सामने वाली साइड पर ये होगा अंदर की तरफ, जबकि इस वर्टेक्स से हम एल्टीट्यूड खींचेंगे तो इस साइड को बढ़ाएंगे ना, तो वहां मिलने वाला है आपको, है ना। तो क्या हम देख रहे हैं कि एल्टीट्यूड जो होता है किसी ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है,